हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मंथन मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको पढ़ाने क्या फूड प्रोडक्शन का वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इंट्रोडक्शन टू कुकरी। द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस आर, आपका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन कि आपको कुकरी है क्या। सेकेंड इज़ योर ओरिजिन ऑफ कुकरी कि कहाँ से इसका ओरिजिनेटेड हुआ ये। थर्ड इज़ योर प्रोफेशनल कुकिंग, प्रोफेशनल कुकिंग होती क्या है एंड उसके टाइप्स क्या है। एंड फोर्थ क्वालिटीज ऑफ अ शेफ, क्वालिटीज ऑफ अ गुड शेफ। सो लेट अस प्रोसीड। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज कुकरी, कुकरी होती क्या है। उसको स्टार्ट करने से पहले हम सीखेंगे कि की टर्म है कि व्हाट इज़ फिज़िकल प्रोसेस एंड व्हाट इज़ केमिकल प्रोसेस। फिज़िकल प्रोसेस मतलब उसका शेप चेंज होना, उसका फिजिक चेंज होना। एंड केमिकल प्रोसेस मतलब उसका स्टेट चेंज होना। स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड हो गया या लिक्विड से गैस हो गया या उसका कलर चेंज होना। जैसे कि अगर आप कागज़ को जलाते हैं तो जल जाता ना पूरा। सो एंड या उसका स्मेल चेंज होना। तो आपका जो कुकरी है वो क्या है, केमिकल प्रोसेस। क्योंकि अगर आप कुछ पकाते हैं तो उसका स्टेट चेंज होता है, उसका कलर चेंज होता है, उसका स्मेल चेंज होता है। तो आपका कुकरी है केमिकल प्रोसेस। एंड जो आपका कुकरी है इसको हम मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी कह सकते हैं। इसमें हम कुछ डिश बनाने के लिए हम इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं। एंड जो कुकरी है वो एप्लीकेशन एंड विड्रॉल ऑफ हीट है। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना, एप्लीकेशन ऑफ हीट मतलब आग को अप्लाई करना। अगर आप कुछ बनाते हैं जैसे कि आप दाल बनाते हैं तो उसमें आप हीट को अप्लाई करते हैं, आग जलाते हैं, तभी दाल बन पाती है। तो एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड विड्रॉल ऑफ हीट मतलब हीट को वापस लेना। जैसे कि अगर आपने कभी आइसक्रीम देखा होगा बनते हुए, तो आइसक्रीम का पहले एक बैटर या एक वो बनता है, तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। फिर उसको आइसक्रीम बनाने के लिए हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो उसको ठंडा होता है। तो अगर देखा जाए तो उसका हीट अब्सॉर्ब हो रहा है और वो ठंडा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं विड्रॉल ऑफ हीट। तो कुकरी इज़ योर एप्लीकेशन एंड विड्रॉल ऑफ हीट। कुकरी में तीन चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग मतलब कि मुझे दाल पहले बनाना है कि चावल पहले बनाना है और कब बनाना है और कैसे करना है एंड कौन क्या काम करेगा। सो दैट इज़ योर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट आता है आपका टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज मतलब कि दाल कैसे बनती है, दाल में क्या क्या चीज़ लगती है। आपका पानी लग गया, दाल लग गया एंड आपका जनरल स्पाइसेस लग गया, हल्दी हो गया, नमक हो गया, मिर्ची हो गया। एंड तीसरा चीज़ आता है आपका मैन्युपुलेटिव स्किल्स। मैन्युपुलेटिव स्किल्स मतलब होता है कि इक्विपमेंट्स कैसे काम करते हैं। यू हैव द नॉलेज कि इस इक्विपमेंट से क्या होता है, कढ़ाई से हम क्या करेंगे, तवे से हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर से हम क्या करेंगे। तो बेसिक नॉलेज कि हाउ डू वी यूज द इक्विपमेंट्स। सो नाउ वी विल डिस्कस द ओरिजिन ऑफ कुकिंग कि कुकिंग आया कहाँ से। बोला जाता है कि बहुत पहले एक प्रिमिटिव मैन था। प्रिमिटिव मैन मतलब आदिवासी, बहुत पहले का इंसान था वो। उसने अपना ऐसी आग जलाया, बॉनफायर जलाया उसने अपने शरीर को गर्म रखने के लिए। तो उसके पास एक मीट का टुकड़ा था, उसने आग के साइड में रख दिया, ऐसे ही रख दिया। उसने थोड़ी देर बाद नोटिस किया कि उसका कलर चेंज होने लगा, उसका टेक्सचर चेंज होने लगा, उसका टेस्ट चेंज हो गया, उसका अच्छा लगा टेस्ट। एंड इट वॉज ईजी टू मेस्टिकेट। मेस्टिकेट मतलब चबाना, आराम से वो चबा पा रहा था। तो ऐसे ही बोला जाता है कि ऐसे ही कुकिंग डिस्कवर हुआ कि फायर में बनाना तो ऐसे डिस्क। सो नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट इज़ प्रोफेशनल कुकरी या व्हाट इज़ प्रोफेशनल कुकिंग। प्रोफेशनल कुकिंग में आपको स्किल्स चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, साउंड नॉलेज चाहिए डिशेस के बारे में एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एप्टीट्यूड चाहिए टुवर्ड्स फाइन डिशेस, फाइन कुकिंग। एप्टीट्यूड मतलब होता है एबिलिटी, योग्यता। सो प्रोफेशनल कुकिंग बेसिकली थ्री टाइप्स में इसके क्लासिफाइड किए जाते हैं। फर्स्ट होता है आपका क्यूजीन सिंपल, और क्यूजीन सिंपल को हम क्या बोल सकते हैं, प्लेन कुकरी। इसमें
मतलब कम सामान से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फूड बनाना होता है। नेक्स्ट होता है क्यूजीन बुरगुआ। इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम क्लास कुकिंग। इसकी प्रोनंसिएशन अलग अलग है क्योंकि फ्रेंच है। इसमें आपका बेटर मटेरियल होता है यूज़, एंड यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डिशेस होती हैं विथ बेटर क्वालिटीज़। थर्ड आता है आपका क्यूजीन ऑट। स्पेलिंग होती है HUTE, पर इसको बोलते हैं ऑट, क्यूजीन ऑट, या इसको आप बोल सकते हैं फैशनेबल या हाई कुकिंग या हाई कुकरी। इसमें आता है आपका वेरी गुड क्वालिटी ऑफ पॉसिबल मटेरियल्स यूज़ की जाता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, एंड इसमें वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिशेस होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस कि शेफ़ के क्वालिटीज़ क्या होते हैं। वॉट इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड शेफ़। फर्स्ट इज़ योर गुड एटीट्यूड। उसका रवैया अच्छा होना चाहिए सबके प्रति, ये नहीं कि किसी से भी कुछ भी बोल रहा है, लाइक दे हैव अ गुड एटीट्यूड। सेकेंड इज़ योर कॉरपोरेटिव, वो कॉरपोरेटिव होने चाहिए, सबके साथ मिलजुल के काम करने वाला होना चाहिए। थर्ड इज़ योर इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब वो इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, जैसे कि अगर उसको कुछ काम आ गया तो उससे भागेगा नहीं, वो बोलेगा येस आई विल डू इट। फोर्थ इज़ योर क्रिएटिव, वो क्रिएटिव होना चाहिए, नई नई चीज़ उसको करने का मन हो, वो क्रिएटिव हो, नई नई चीज़ क्रिएट करे, इनोवेट करे। फिफ्थ इज़ योर गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब ऐसे बोलना कि किसी को बुरा ना लगे एकदम उसी टाइम पे, ऐसे जोक सेंस में बोलना कि उसको बुरा ना लगे, तो दैट इज़ कॉल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर, उसको गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। सिक्स इज़ योर रिलायबिलिटी, कि वो गुड स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी, जटिल होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ योर कर्टसी। कर्टसी मीन्स विनम्रता। विनम्रता मतलब वो अच्छे, मतलब वो शांत स्वभाव का होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ योर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदार, ईमानदार होना चाहिए वो, झूठ बोलने वाला नहीं होना चाहिए वो। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अनुशासन, अनुशासन में रहना चाहिए वो। एंड विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब उसको अंदर से उसका खुद का ही मन हो, इच्छा हो कि वो उस काम को करे। एंड नेक्स्ट इज़ योर गुड पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मीन्स कि वो हेयर नेट पहने, हमेशा अपने हाथ धोए, अपने यूटेंसिल्स को धोए यूज़ करने से पहले एंड यूज़ करने के बाद, एंड अगर वो वॉशरूम जाते हैं या सिगरेट पीते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो आफ्टर दैट ही विल जस्ट वॉश देयर हैंड्स विद सोप एंड वॉर्म वाटर। आई होप कि आपको समझ आया होगा, दीज आर द बेसिक टॉपिक्स इन योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ फूड प्रोडक्शन। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स, इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक इट, एंड यू मे ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरी इंस्टाग्राम ID ये रही, सो नो मी मोर। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।